अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। गुलबर्ग टाउन का ये खासा रहा है कि यहां पर तमाम कामों को बाहमी मशावरत के जरिए किया जाता है। डेवलपमेंट कामों का दारोमदार टैक्स की रिकवरी से मुंसलिक है। माह अप्रैल 2024 गुलबर्ग टाउन के एम्प्लॉज की सैलरी 29 तारीख को अदा कर दी गई। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन असरतुल्ला का टाउन ऑफिस में हफ्तावार मीटिंग का इनेकाद। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सहाग, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अलियास, UC8 के चेयरमैन फारूक नेमतुल्ला भी मौजूद थे। तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने अपनी हफ्तावार कारकर्दगी पेश की और कामों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर चेयरमैन नसरतुल्ला ने कहा कि इस मीटिंग का मकसद हफ्ते में होने वाले कामों का जायजा लिया जा सके और उनमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश हो तो उससे भी पूरा किया जा सके। और गुलबर्ग टाउन का ये खासा रहा है कि यहाँ पे तमाम कामों का बाहमी मशावरत के जरिए किया जाता है ताकि आवाम के लिए बेहतर से बेहतर सहूलत मुयसर की जा सके और हमारी कोशिश है कि आवाम को उनके बुनियादी हकों को उनके दहलीज पर मुयसर किए जा सके। इस मौके पर उन्होंने डायरेक्टर टैक्सेस से कहा कि टैक्स रिकवरी में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है क्योंकि डेवलपमेंट कामों का दारोमदार टैक्स की रिकवरी से मुंसलिक है। इस शोबे में काफी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इस मौके पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तारीफ ना करना नाइंसाफी होगी। उनकी कारकर्दगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस माह अप्रैल गुलबर्ग टाउन के एम्प्लॉज की सैलरी 29 तारीख को अदा कर दी गई जिसके लिए तमाम डिपार्टमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं। इस मौके पर डायरेक्टर एडमन मोहम्मद अली, डायरेक्टर पार्क्स मोहम्मद नदीम हनीफ, डायरेक्टर सैनिटेशन वकार अहमद, डायरेक्टर टैक्सेस आरफिन समान, एक्सीएन B&R मोहम्मद सुहेल, एक्सीएन M&E मोहम्मद शावर, डायरेक्टर लाइब्रेरी शहराज हसन और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे।